दोस्तों 2023 की शुरुआत से ही हिमालय क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आ गई। पहले जोशी मठ और फिर नेपाल का प्लेन हादसा। नेपाल प्लेन हादसे में 72 लोगों की दुखद मौत से नेपाल तो क्या पूरा भारत भी हिल गया है। अब तक 68 लोगों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है, लेकिन बाकी चार का कोई खबर नहीं है। इस घटना में भारत के लिए यह भी बुरी खबर है, क्योंकि इस प्लेन में 5 इंडियंस भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस प्लेन में 14 फॉरेनर्स भी शामिल थे जिनकी डेथ हो गई। इसीलिए अब यह हादसा अब इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। इसीलिए वहाँ के गवर्नमेंट और पीएम हाई लेवल मीटिंग भी करनी शुरू कर दी है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इस पर। नेपाल की एटी एयरलाइंस की ATR-7 काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रही। ये दोनों एरिया हिमालय के काफी नजदीक हैं। इस प्लेन की कुल कैपेसिटी 72 सीट्स की है, जिसमें 68 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन प्लेन अपने डेस्टिनेशन से महज 10 सेकंड की दूरी पर क्रैश हो गया। जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया, तब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया प्लेन क्रैश खराब वेदर की वजह से नहीं, बल्कि प्लेन में टेक्निकल खराबी से हुई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का यह भी कहना था कि इस लैंडिंग से पहले प्लेन ने ऑलरेडी परमिशन ले ली थी और लैंडिंग के लिए सब कुछ क्लियर था, लेकिन हवा में ही प्लेन में आग की लपटें दिखने लग गई थी। इसीलिए खराब वेदर की वजह से प्लेन हादसा हुआ, ये थ्योरी ही गलत है। अब चलते हैं इस हादसे के दूसरी तरफ, यानी कि प्लेन के पायलट्स की तरफ। इस प्लेन को अंजू खतिवार चला रही थी, जिनकी एज अ को पायलट ये लास्ट उड़ान थी, जिसके बाद उन्हें कैप्टन बना दिया जाना था। उनके साथ उनके सीनियर पायलट और ट्रेनर कैप्टन कमल केसी भी थे। कैप्टन कमल केसी को 35 साल का एक्सपीरियंस था और उन्होंने कई सारे पायलट्स को ट्रेनिंग दे चुके थे। पायलट अंजू खतिवार को इस फ्लाइट की सफल लैंडिंग के बाद चीफ पायलट का लाइसेंस मिलने वाला था, लेकिन 15 जनवरी को ही हादसा हो गया। हालांकि कोइंसिडेंस की बात यह है, ऐसे ही सिमिलर हादसे में अंजू के पति की भी डेथ हो गई थी। अंजू के पति दीपक पोखरेल इसी एटी एयरलाइंस में पायलट थे, जिनकी मौत 2006 में हो गई थी। खैर, वापस मुद्दे पे आते हैं। पिछले 30 सालों में नेपाल में 28 से ज्यादा प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जिसके बाद एक्सपर्ट का कहना है रगेड माउंटेन, बैड वेदर, ओल्ड प्लेन और इनएक्सपीरियंस पायलट की वजह से ये हादसे होते रहते हैं। ये प्लेन करीबन 42 साल पुराना था। इस मॉडल के प्लेन को एयरबस और लियोनार्डो कंपनी ने मिलकर बनाया था, लेकिन नेपाल को समझना होगा कोई भी प्लेन तभी सेफ होती है जब वो टेरेन के हिसाब से डिजाइन किया गया हो। तो चलिए नेपाल के जियोग्राफिकल टेरेन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नेपाल में करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं, साथ में दुनिया के सबसे ऊंचे 14 पहाड़ में से 7 सिर्फ नेपाल में मौजूद हैं। नेपाल में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो कि सी लेवल से 1338 मीटर ऊपर है, जो कि काफी ज्यादा नैरो रनवे है, जहाँ पर प्लेन को मुड़ने के लिए काफी कम एरिया मिलती है। इसके अलावा नेपाल के लुकला में बनी एयर स्ट्रिप दुनिया की सबसे डेंजरस रनवे में से एक है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसे हिमालय के चट्टानों को काट कर बनाई गई है। तो इस हिसाब से पता चलता है कि नेपाल में प्लेन लैंडिंग के लिए कोई भी सेफ जगह नहीं है और इन्हें सेफ भी नहीं किया जा सकता। नेपाल के एयरलाइंस के अगली दुश्मन की बात करें तो वो है मौसम। अब नेपाल के वेदर की बात करें तो वो पल भर में किसी भी करवट ले सकती, जिसके लिए पायलट्स को प्लेन नेविगेट करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब जरा सोच के देखिए, आपके सामने तेज हवा चली है, आपके सामने सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रहा है, ऊपर से बर्फबारी से रनवे और भी ज्यादा फिसलन पैदा कर रहा है, ऐसे में सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। ये तो हो गई क्लाइमेट और जियोग्राफिकल कंडीशन की बात, लेकिन नेपाल के पास टेक्नोलॉजी की भारी कमी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना होने के कारण पायलट्स को प्लेन चलाने में काफी मुश्किल होती है, क्योंकि क्रिटिकल सिग्नल्स ATC से टाइम पे नहीं मिल पाते हैं। ऊपर से पुराने जेनरेशन के प्लेन होने जहाज में अच्छे सेंसर्स भी नहीं लगे होते हैं। इतने सब के बाद रही सही कसर नेपाल के करप्ट पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स रिश्वत लेके खराब प्लेन को अपने एविएशन में शामिल कर लेते हैं। अब इतने सारे नेगेटिव मार्किंग्स देखकर कोई भी ये कह सकता है ये सारे प्लेन क्रैश सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश। इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दबा के शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।